Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes math easy. Today we will study class 7 chapter 11 perimeter and area exercise 11.4 concepts and tricks. Aaj hum log padhenge conversion of units, yani ki humko agar unit ko convert karna hai to hum log us units ko convert kaise karenge uske bare mein aaj hum log is section mein padhne ja rahe hain. Dekhiye, ye hai mera कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स. तो हम लोगों के पास क्या क्या यूनिट्स होता है, देखिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. ये है मेरा यूनिट्स जिसका हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में. ओके, तो हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे. यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, यानी कि अगर हमको किलोमीटर दिया हुआ है तो हम लोग डेकामीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग मीटर से मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग मिलीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, ये वाला जो दिया हुआ है यूनिट्स, आपको इसको याद करना है, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. ठीक है, ये वाला जो लाइन है इसको याद रखना है हमेशा. और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरो बना हुआ है. ये एरो क्या कहता है, ये एरो कहता है कि जब हम लोग किलोमीटर से आगे बढ़ेंगे और मिलीमीटर की तरफ जाएंगे, यानी कि देखिए इसका डायरेक्शन है ये एरो का इस तरफ का, यानी कि अगर हम लोग किलोमीटर के डायरेक्शन से आगे बढ़ते हुए मिलीमीटर के तरफ जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा इनटू 10. इसका मतलब अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि ये है मेरा लेफ्ट साइड में और ये है मेरा राइट साइड में, तो ये मेरा होता है इनटू 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ये हो जाएगा इनटू 10, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ये हो जाएगा इनटू 10, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ये हो जाएगा इंटू 10, यानी कि हर स्टेप में ये मेरा इंटू 10 होता चला जाएगा. ओके, अब देखिए जस्ट इसका ऑपोजिट, हम लोग जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि ये मेरा हो गया है मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ, तब मेरा क्या होगा, तब मेरा हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, और उस टाइम में हम लोग करेंगे डिवाइड बाई 10, यानी कि मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा डिवाइड बाई 10, फिर सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे ये मेरा फिर से हो जाएगा डिवाइड बाई 10, डेसीमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे ये मेरा फिर से हो जाएगा डिवाइड बाई 10. ओके, इस तरीके से हम लोग हर स्टेप में डिवाइड बाई 10 करते चले जाएंगे अगर हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तब. अब देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर. ओके, तो 1 सेंटीमीटर मेरा कितना मिलीमीटर होगा, इस टेबल में देखिए कहाँ है मेरा सेंटीमीटर और कहाँ है मेरा मिलीमीटर, ध्यान दीजिए ये है मेरा सेंटीमीटर और ये है मेरा मिलीमीटर. ओके, सेंटीमीटर यहाँ है और मिलीमीटर यहाँ, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं राइट की तरफ. जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इंटू 10, इसलिए ये मेरा हो गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ठीक है, अब देखिए 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर दो बार आया है, ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर के लिए आ गया है 10 मिलीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर के लिए आ गया है 10 मिलीमीटर. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो आ गया है 100 मिलीमीटर स्क्वायर. अब देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू हो गया है 100 सेंटीमीटर, ये था मेरा मीटर और कहाँ है सेंटीमीटर, ये है मेरा सेंटीमीटर. तो देखिए मीटर से जा रहे हैं हम लोग सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग मीटर से गए हैं सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से हम लोग मीटर गए हैं और फिर मीटर से गए हैं सेंटीमीटर, यानी कि दो बार गए हैं, तो यहाँ पे हो जाता है इंटू 10 और फिर से यहाँ पे हो जाता है इंटू 10, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 10 इंटू 10, इसलिए ये मेरा हो गया है 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू हो गया है 100 सेंटीमीटर.
वैसे ही 1 मीटर इंटू 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर ये मेरा बन गया है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डिवाइड बाई 10। इसलिए यहाँ पे देखिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर यानी कि 1/10 सेंटीमीटर इंटू 1/10 सेंटीमीटर यानी कि ये हो गया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा हो जाएगा 1/10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली 1 मीटर स्क्वायर मेरा हो जाएगा 1/100,000 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे यानी कि यूनिट का कन्वर्शन करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1,000 मीटर। ये कैसे हुआ, यहाँ पे है मेरा किलोमीटर और यहाँ पे है मेरा मीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मीटर की तरफ यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, इंटू 10 होगा। तो यहाँ से यहाँ गए हैं तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ गए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ गए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार। इसलिए यहाँ पे अगर मेरा 10 से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 10 × 10 × 10 यानी कि 1000 मीटर। 1 किलोमीटर हो जाता है 1000 मीटर। अब 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। ये मेरा हो गया है 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको निकाला है। नेक्स्ट है मेरा ट्राई दीज, देखिए ये क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दीज, ये कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। नंबर 1 में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मिलीमीटर स्क्वायर, ये है नंबर 1 ट्राई दीज का। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर, ये वाले टेबल से हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 10 × 10 यानी कि ये मेरा हो गया है 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है यानी कि 1 को अगर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू के यहाँ भी हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए ये मेरा हो गया 50 × 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो जाता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर 2 HA इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको पता है कि 1 HA इज इक्वल टू 100 मीटर। देखिए ये है मेरा हेक्टामीटर, ये हेक्टामीटर जो है वो मेरा हो जाता है 100 मीटर क्योंकि यहाँ पे बीच में 2 जीरो आ रहा है। ओके, यानी कि 10 × 10 यानी कि 100 मीटर। 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो 2 हेक्टामीटर क्या हो जाएगा, 2 × 100 मीटर यानी कि 200 मीटर। इसलिए ये मेरा हो गया है फॉर मीटर स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हमको निकालना है मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर करने के लिए ये वाला जो 200 मीटर है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके मेरा एम इंटू एम यानी कि एम स्क्वायर आएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 200 को रिपीट कर दिया है यानी कि 200 × 200, ये मेरा हो गया है 40,000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नंबर 3 क्या बोलता है, ये है नंबर 3, कहता है 10 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है कि 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर × 1 मीटर, 1 मीटर मतलब हो गया है 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर यानी कि ये मेरा हो गया है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये वाला 1 मीटर स्क्वायर मेरा 10 मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेरा हो गया 10 × 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये वाला मेरा बन जाता है 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है नंबर 4। ये कहता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। हमको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखना है। तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर होता है मेरा 1/100 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/100 इंटू 1/100, ये मेरा दो बार आ जाएगा, इसलिए ये मेरा हो गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो हम लोग अगर यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, यानी कि यहाँ पे हम लोग 1 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 30 ऊपर कट जाएगा, 30 नीचे कट जाएगा, यानी कि ये मेरा हो जाता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में हम लोग पढ़ेंगे दिया हुआ कुछ एग्जांपल्स को, जहां पे हम लोग यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, ये देखिए एग्जांपल नंबर 20। ये कहता है ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है ए बी सी और डी, जो कि मेरा 45 मीटर लॉन्ग है और ये मेरा है 30 मीटर वाइड। ओके, अब देखिए क्या बोलता है। ए पार्क 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। ये जो पार्क है, पार्क के बाहर में 2.5 मीटर का एक पाथ बनाया हुआ है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। ये जो पाथ है उसका एरिया हमको बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए कैसे होगा ये। ये है मेरा एप्लीकेशंस का एग्जांपल नंबर 20। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर पार्क, और इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 45 और ब्रेथ दिया हुआ है मेरे पास 30 मीटर का। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क मेरा हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 45 इंटू 30, ये मेरा हो गया है 1350 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमको यहाँ पर निकालना है ये पूरा जो टोटल जो जगह है, ये पूरा रेक्टेंगुलर पार्क और ये पाथ को मिला के उसका एरिया, लेंथ ऑफ द होल एरिया, ठीक है। ये होल एरिया का लेंथ क्या होगा, ये इसका लेंथ हो जाएगा मेरा 45 मीटर प्लस 2.5 मीटर लेफ्ट में प्लस 2.5 मीटर राइट में। देखिए अगर ये वाला मेरा यहां से लेके यहां तक हमको दिया हुआ है 45, तो यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5, तो फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहां पे दिया हुआ है 2.5, इसलिए ये वाला भी हो गया 2.5, ये वाला भी हो गया 2.5 और ये वाला हमको दिया हुआ है 45, ठीक है। इसलिए ये मेरा हो जाता है 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5, यानी कि 45 प्लस 5, ये मेरा बन गया है 50 मीटर। इसका मतलब ये जो मेरा जगह है इसका जो टोटल लेंथ है, यानी कि यहां से लेके और यहां तक का जो लेंथ है, ये मेरा बन गया है 50 मीटर का, ठीक है। अब हमको लेंथ तो मिल गया, अब हमको चाहिए ब्रेड। तो ब्रेड कैसे निकलेगा, देखिए ब्रेड ऑफ द होल एरिया ये मेरा हो गया है 30 मीटर प्लस 2.5 अप प्लस 2.5 डाउन। यहाँ पे देखिए ये वाला था मेरा ब्रेथ जो हमको दिया हुआ था 30 मीटर का, तो अगर हम लोग ऊपर वाला जो जगह है इसको भी पकड़ लें, तो ये वाला कितना दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है 2.5, तो ये वाला मेरा बन जाता है 2.5। यहां से लेके यहां तक जो जगह है वो वाला कितना है, ये मेरा बन जाता है 2.5, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मेरा दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो यहाँ पे ये मेरा बन जाता है ब्रेथ ऑफ द होल एरिया, यानी कि 30 मीटर प्लस 2.5 अप प्लस 2.5 डाउन, यानी कि 30 प्लस 5 यानी कि 35 मीटर। तो टोटल जो ये जगह है पाथ को लेके, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क और ये पाथ को लेके, उसका एरिया मेरा बन जाता है एरिया ऑफ द होल एरिया, ये मेरा बन गया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 50 इंटू 35, ये मेरा बन गया 1750 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क था उसका एरिया था 1350 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये जो होल एरिया है उसका मेरा एरिया बन जाता है 1750 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ ये मेरा बन गया है एरिया ऑफ द होल एरिया माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, ये मेरा हो जाता है 1750 मीटर स्क्वायर माइनस 1350 मीटर स्क्वायर, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये जो बाहर का पाथ है इसका मेरा एरिया निकल गया है 400 मीटर स्क्वायर का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल 21। ये कहता है ए पाथ 5 मीटर वाइड रन्स अलोंग इनसाइड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 100 मीटर। मेरे पास ये एक स्क्वायर पार्क है, ये एक स्क्वायर पार्क का जो साइड है वो है 100 मीटर का। ठीक है, कहता है ये स्क्वायर पार्क के भीतर में एक पाथ है जो मेरा 5 मीटर वाइड है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्क है ये मेरा है 5 मीटर वाइड, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है मेरा 5 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 250 रुपीज पर 10 मीटर स्क्वायर। देखिए कैसे होगा, ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 21। ये कहता है एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, यानी कि अगर ये मेरा स्क्वायर पार्क है तो ये स्क्वायर पार्क का मेरा ये साइड हो जाता है 100 मीटर का, इसलिए स्क्वायर पार्क का एरिया हो जाता है 100 × 100 यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए लेंथ ऑफ द इनर स्क्वायर, इनर स्क्वायर यानी कि भीतर वाला जो स्क्वायर है उसका लेंथ क्या होगा। यहाँ पे 100 दिया हुआ था बाहर वाला जो मेरा स्क्वायर है उसका लेंथ, तो भीतर वाला का क्या होगा, इसका लेंथ मतलब क्या है यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक मेरा कैसे निकलेगा। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेरा ये भीतर का पाथ है उसका विड्थ है मेरा 5 मीटर का। ठीक है, अगर यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 5 है, ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया 5 + 5 यानी कि 10, इसलिए ये जो 100 है यहां से हम लोग ये वाले 5 को माइनस कर रहे हैं और ये वाले 5 को माइनस कर रहे हैं, तब जाके मेरे पास ये वाला जो लेंथ है वो निकल जाएगा। इसलिए लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर ये मेरा हो गया है 100 − 5 − 5 यानी कि 100 − 10 यानी कि 90 मीटर। अगेन ये जो ब्रेड है यानी कि यहां से लेके यहां तक जो है उसका लेंथ कैसे निकलेगा, हमको दिया हुआ है कि यहां से लेके यहां तक जो है उसका है मेरा लेंथ 100 मीटर। अगर ये पूरा मेरा 100 मीटर है तो दिया हुआ है कि यहां से लेके यहां तक है 5 और यहां से लेके यहां तक है 5, ये दोनों को हम लोग रिमूव कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा 100 − 5 − 5 यानी कि 100 − 10 ये हो जाता है 90 मीटर। ओके, तो ये मेरा हो गया है एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर, यानी कि हमको यहाँ पे मिल जाता है लेंथ और ब्रेड दोनों हो गया है 90 मीटर और 90 मीटर। तो एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर मेरा हो जाता है 90 × 90 यानी कि 8100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो इनर स्क्वायर है इस पूरे इनर स्क्वायर का मेरा एरिया निकल जाता है 8100 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा, ये जो टोटल बड़ा वाला स्क्वायर था ये बड़ा वाला स्क्वायर में से अगर हम ये छोटा वाला स्क्वायर के एरिया को निकाल दें तो हमको ये पाथ का जगह मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए एरिया ऑफ द पाथ हो गया है एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क यानी कि 10,000 माइनस एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर यानी कि 8100, ये मेरा बन गया है 1900 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 10 मीटर स्क्वायर इज ₹250, यानी कि कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, अगर 10 मीटर स्क्वायर में 250 है तो 1 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 25, क्योंकि यहां से एक जीरो कटेगा तो आ जाएगा 1, तो फिर यहां से भी एक जीरो कट जाएगा, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर में हो गया है ₹25। अगर 1 में 25 है तो 1900 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, क्योंकि मेरा जो पाथ है उसका एरिया आया था 1900 मीटर स्क्वायर, इसलिए कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1900 मीटर स्क्वायर पाथ ये हो जाएगा मेरा 25 × 1900, ये हो जाता है ₹47500। ओके, इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ द पाथ निकाल लेंगे और
उस पाथ को सीमेंटिंग करने के लिए कितना रुपीज लगेगा वो भी निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 22। ये कहता है टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड 5 मीटर रन एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। यहाँ पे 70 मीटर दिया हुआ है लेंथ यानी कि L और 45 मीटर दिया हुआ है ब्रेथ यानी कि B। ये रेक्टेंगुलर पार्क का ठीक है। और कहता है टू क्रॉस रोड, यहाँ पे दो क्रॉस रोड है यानी कि ये वाला एक क्रॉस रोड है और ये वाला एक क्रॉस रोड है ठीक है। ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर यानी कि इसका जो विड्थ है यानी कि यहां से लेके यहां तक जो जगह है वो है मेरा 5 मीटर का, और ये वाला जो रोड है उसका भी यहां से लेके यहां तक जो जगह है वो है मेरा 5 मीटर का। ओके, अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 105 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमको एरिया निकालना है वो रोड्स का, और हमको कितना रुपीज लगेगा उस रोड को कंस्ट्रक्शन करने में उसका भी हमको अमाउंट निकालना है अगर 1 मीटर स्क्वायर में हमको लग रहा है 105 रुपीज। आइए देखिए कैसे होगा। ये है मेरा एग्जाम्पल 22। ये हमको दिया हुआ है लेंथ जो है मेरा 70 मीटर का, और ये हमको दिया हुआ है ब्रेड जो है मेरा 45 मीटर का। ओके, और कहता है कि रोड 1 है मेरा 5 मीटर चौड़ा और रोड 2 जो है वो है मेरा 5 मीटर चौड़ा ठीक है। यानी कि ये जो इसका विड्थ है वो है 5 मीटर और रोड 1 का भी विड्थ है मेरा 5 मीटर, तो ये वाला मेरा हो जाता है रोड 1। इसी तरीके से ये वाला मेरा बन जाता है रोड 2 ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि रोड 1 रोड 2 मेरा इस जगह में इंटरसेक्ट हो रहा है यानी कि यहाँ पे मेरा दोनों रोड मिल रहा है ठीक है। देखिए कैसे होगा। लेंथ ऑफ रोड 1 ये दिया हुआ है 70 मीटर और ब्रेथ ऑफ रोड 1 दिया हुआ है 5 मीटर। यानी कि ये वाला अगर रोड 1 का लेंथ है तो ध्यान से देखिए ये वाला जितना है ये वाला उतना ही है, इसलिए इसका लेंथ हो गया है मेरा 70 मीटर, तो इस रोड का ब्रेथ हो गया है 5 मीटर। तो एरिया ऑफ रोड 1 क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 70 × 5 यानी कि 350 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ ऑफ रोड 2 है 45 मीटर, ये वाला जो रोड 2 है उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ मेरा इसके बराबर होगा यानी कि 45 मीटर, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है मेरे पास 5 मीटर, इसलिए यहाँ पे मेरा ब्रेथ हो गया है रोड 2 का 5 मीटर। देयरफोर एरिया ऑफ रोड 2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड 2 हो गया है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 45 × 5 यानी कि 225 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए टोटल एरिया ऑफ टू रोड्स, यहाँ पे टोटल एरिया दोनों रोड का क्या होगा, एरिया ऑफ रोड 1 प्लस एरिया ऑफ रोड 2, ये दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल एरिया निकल जाएगा टू रोड्स का ठीक है। देखिए ये मेरा हो गया है 350 + 225, यहाँ पे आया था 350 और यहाँ पे आया था 225, दोनों को ऐड कर दिए तो ये मेरा आ गया है 575 मीटर स्क्वायर। ये मेरा होना चाहिए टोटल एरिया ऑफ टू रोड्स, लेकिन ये मेरा टोटल एरिया ऑफ टू रोड्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यानी कि इस फिगर में ये दोनों रोड जो है वो दोनों रोड इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। यानी कि इस वाले एरिया में रोड 1 का भी पार्ट है और इस वाले एरिया में रोड 2 का भी पार्ट है, दोनों का पार्ट एक रोड के ऊपर में एक के ऊपर एक चला रहा है ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए व्हेन द रोड्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, जब ये दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, देन द शेडेड पोर्शन ऑफ द रोड कम्स ट्वाइस ठीक है। यानी कि जब हम लोग रोड 1 का एरिया निकाल रहे हैं तब मेरा ये वाला जो शेड पोर्शन है वो आ जा रहा है, और जब रोड 2 का भी एरिया निकाल रहे हैं तो फिर से मेरा ये वाला जो एरिया है जो शेड पोर्शन का ये वाला फिर से आ जा रहा है ठीक है। सो टू गेट द करेक्ट एरिया, अगर हमको करेक्ट एरिया चाहिए ऑफ टू रोड्स, वी शुड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन फ्रॉम द टोटल एरिया ऑफ
द टू रोड्स, ठीक है, जो टू रोड का टोटल एरिया आया है, तो इस टोटल एरिया से हम लोग जो शेडेड पोर्शन है उसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा दो बार आ जा रहा है, ठीक है, एक बार रोड वन के साथ भी आ रहा है और एक बार रोड टू के साथ भी आ रहा है। देखिए इसका यहाँ पे कितना है मेरा ब्रेड, इसका यहाँ पे ब्रेड है मेरा 5 मीटर, और ये जो लेंथ है ये कितना है इसका यहाँ पे, यानी कि शेडेड पोर्शन का लेंथ हो जाएगा मेरा 5 मीटर। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन है उसका लेंथ है 5 मीटर और ब्रेड भी है 5 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन हो जाएगा मेरा 5 मीटर इंटू 5 मीटर, यानी कि 25 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एक्चुअल एरिया ऑफ टू रोड्स हो जाएगा 575, जो हमको मिला था ये वाला एरिया, यानी कि टोटल एरिया जो मिला था हमको टू रोड्स का, उसमें से हम लोग जो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 575 - 25 मीटर स्क्वायर, ये मेरा हो गया है 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला मेरा एक्चुअल एरिया हो गया है टू रोड्स का। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में हमको कहता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, यानी कि वो जो टू रोड्स था वो दोनों रोड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगता है ₹105। देयरफोर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 550 मीटर स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा ₹550 × 105, यानी कि ₹57,750, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 550 मीटर स्क्वायर ऑफ रोड्स। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।